सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग आए हैं पालघर के काल दुर्ग किले पर ट्रैकिंग करने। सो इस ट्रैकिंग में हमने बहुत मस्ती की और इस वीडियो को आप देखकर भी एंजॉय होंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कैसे इस जंगल के रास्ते से पानी में भीगते हुए मजे लेते हुए ऊपर जाकर एक पहाड़ की चोटी पर बैठ के मज़ेदार व्यू और जो इन्जॉयमेंट मिला हमको इस ट्रैकिंग में, आप भी इस वीडियो के जरिए देखें और हम चाहते आप भी आए। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। क्या पता वीडियो में गिर गया तो डिलीट भी नहीं करूंगा। तो बाबा की चढ़ी ही है बाबा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने कहा था व्लॉग आते रहेंगे, तो आज मैं दूसरा व्लॉग डालने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त अंकित, हम दोनों आए घूमने के लिए। काल दुर्ग फोर्ट है, वहाँ पे हम ट्रैकिंग करेंगे। तो आज संडे का दिन है और संडे के दिन काफी भीड़ होती है। आज का दिन काफी अच्छा जाएगा और काफी मजा भी आएगा, तो हमारे साथ बनिए रहिए। और अभी हम लोग आए हैं बाइक से, तो पहाड़ के जंगल के रास्ते से बाइक से आते हुए हम लोग जाएंगे। तो गाइस काल दुर्ग हम काल दुर्ग के रास्ते में जाते समय आपको एक छोटा सा वाटरफॉल मिलेगा। अभी फिलहाल इतना पानी यहाँ पे है नहीं, आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे बरसात होती है, काफी बारिश होती है, तो यहाँ पे पानी बहुत आता है, लोग यहाँ पे भी आते हैं। और मेरे साथ अभी एक बंदर है, ये बंदर पानी के साथ खेल रहा है। काफी सारे बंदर है यहाँ पे, आप आके उनको खिला सकते हो, उनको देख के एंटरटेन हो सकते हो। फिलहाल यहाँ पे पानी का मजा नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे माउंटेन ट्रैकिंग का। तो हम लोग बंदे अभी आगे चल रहे, चलिए इस वागोबा वाटरफॉल के आगे से हमको चलना है और चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक टेंपल जो है वागोबा टेंपल। तो इस टेंपल के पीछे से एक रास्ता है, वो जाता है सीधा पहाड़ को, वहाँ से रास्ता है, सीढ़ियों का कच्चा रास्ता है। तो हम लोग भी वहीं से निकलेंगे और हमारे साथ चढ़ाई करने के लिए आप भी हो जाइए तैयार। गाइस गणपति के बप्पा का नाम लेते हुए हम लोग ट्रैकिंग करते हैं शुरू। और देखो यार क्या मौसम है, एकदम सुहाना। आज बिरयानी है खाना। मौसम बहुत सुहाना है, सब जगह हरियाली है, मैं और मेरा दोस्त है और बस हमको चढ़ाई चढ़नी है। तो यहाँ पे काफी लोग आए होंगे, मेरे काफी दोस्त, लेकिन मैं नहीं आया था। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि यहाँ पे आओ और फिर बाद में यहाँ पे ट्रैकिंग करूँ, तो आज मुझे टाइम मिला, आज मेरा ऑफ था ड्यूटी का, तो सोचा कि मैं और मेरा दोस्त आ जाए और फिर बाद में मजा करे, एंजॉय करे। सो बी स्टे ट्यून विद अस। चल भाई चल, आज बारिश है, फिसलन काफी है, थोड़ा आराम से चलना है, पत्थर है काफी। चलो भाई अंकित चलो। सो गाइस ट्रैकिंग का जो असली मजा है ना, वो बारिश के मौसम में ही है, और खास करके ये पहाड़ में जो बारिश होती है, जो चलने का रास्ता है पूरा पानी पानी से हो जाता है, जैसे कि अभी अब स्लिप हो रहा है। मेरे आजू बाजू ये सब हरियाली झाड़ू सब देख के मन प्रसन्न हो जाता है ना। ये वाली हरियाली, ये हरियाली, यही हरियाली, कुछ गलत नहीं। सो ये सब ट्रैकिंग करने में बहुत मजा आता है। मैं सोच रहा था कोई
मेरे साथ दोस्त भी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो अंकित को ही लेके आ गया। चढ़ाई में बहुत मजा आता है सबसे ज्यादा। यहाँ पे काफी मैं देख रहा हूँ दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। अभी मेरे को एक टीम मिली जो कि धानु से आई थी, और मेरे कुछ दोस्त थे जो पालघर में ही रहते हैं, तो उनका कहना है कि यार क्या सिर्फ पालघर में घूमता है। तो यार मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार पालघर में भी बहुत ऐसी चीजें हैं, उसका थोड़ा कदर करो यार, अपने आसपास में है ऐसा मत बोलो। तो जैसे कि देख रहे हो यार, ये सब एडवेंचर है, लाइफ में करो यार, ये सब अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. So हम लोग अभी पहाड़ के कुछ ऊंचाई पे आ चुके हैं, थक गए, बारिश भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। मेरे साथ एक यूट्यूबर है, उनका नाम क्या है, रवि सिंह भाई, भी आए ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे काफी सारे यूट्यूबर आते रहते मेरी तरह। तो आज संडे है और बारिश हो रही है, माहौल यार बहुत मजेदार हो गया है। मैं भी चाहता था बारिश हो और हम लोग भीग के भी जाएंगे, सो बने रही हमारे साथ। चलिए आराम से, यहाँ पे गिरने के भी चांसेस। पहाड़ पे अभी बारिश शुरू हो गई, तो मैंने जैसे सोचा था यार बारिश में जो पहाड़ पे ट्रैकिंग करने का मजा है अभी शुरू हुआ है। मेरे साथ और मेरे दोस्त है, लो लो मजा लो गाइस। सो यार वीडियो में बने रहिए और देखिए यार ये नजारा आपको फिर कभी मिले या ना मिले, अगर मिले तो यार कोशिश करना कि आना जरूर अपने दोस्तों के साथ, और ये सब चीजों का लाभ जरूर उठाना। ये सब अपने पास में ही है, सब पहाड़। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते गए बारिश होती गई और रास्ते में पानी काफी आया, सब पत्थरों पे पानी आ गया था, सब जगह कीचड़ हो गया था और रास्ता और भी मुश्किल हो गया था, लेकिन एडवेंचर अभी और भी आने बाकी थे और हमें बहुत मजा आ रहा था। तो देखिए क्या व्यू आ रहा है, वाह यार क्या व्यू है, वाह। सो गाइस हम लोग पहाड़ के बहुत ऊपर आ चुके हैं हाइट पे, मेरा भाई चल नहीं पा रहा है लेकिन हमारी चढ़ाई अभी बाकी है। ये ब्लॉग ना आप मैं चाहता हूँ प्लीज जरूर देखिए, बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग ने नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एडवेंचर लड़कों लड़कियों के साथ ग्रुप के साथ जिस तरह से ट्रैकिंग बारिश में की है, इस ब्लॉग में आपको जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम पूरी एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, लेकिन और चढ़ाई बाकी है मेरे दोस्तों। प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड एंड मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन दबाया है कि नहीं, आप नहीं दबाया तो दबा दीजिए, ऐसे दबाना, और हमारा ब्लॉग जरूर देखिए। काल दूब के फोर्ट पे हम लोग आए हैं पालघर में, और अभी तक हमने बहुत अच्छी खासी चढ़ाई कर ली है, कम से कम हम लोग बस कुछ ही देर पे होंगे, लेकिन अभी जो रास्ता है बहुत काफी खतरनाक आ चुका है। मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप थे पीछे, देख लीजिए आप हम लोग कितने ऊपर है, और सब जगह एकदम कोहरा कोहरा छाया हुआ है, पूरा एकदम बादल बादल हो गया है, देखो मजा आ रहा है। और मेरे साथ जो जितने भी थे वो पीछे रह गए, हम दोनों खाली ऊपर आ गए हैं, और रास्ता बाकी है। जो भी ऊपर का लगे ऊपर है, हाँ ऊपर का व्यू दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो गाइस थैंक सो मच। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट छतरी जैसा बना के दिया है,
मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा दूर से, दूर से, दूर से। धुआं धुआं है सब जगह पे, काफी हाइट पे हम लोग, और यहाँ पे काफी लोग आए हैं क्योंकि आज संडे है। तो यहाँ पे कुछ वॉलंटियर की टीम्स आई है, यहाँ पे उन लोग साफ सफाई कर रहे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि उन लोग जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या कोई भी यहाँ पे घूमने आता है तो यहाँ पे काफी कचरा फैला देता है, तो उन लोग यहाँ पे आके साफ कर रहे, काफी अच्छी बात है। हमें भी ये सबको सपोर्ट करना चाहिए। और आगे और है ट्रैकिंग बाकी, तो हम लोग अभी उसको कम्प्लीट करेंगे। ये मेरा दोस्त। हेलो गाइस, हम लोग अभी मिले हैं ट्रैकिंग पे, फिर भी दोस्त बन, ताजी ताजी फ्रेंडशिप है। मेरा भी नाम विशाल है। हाँ क्या? मेरा भी। और बहनों, कुछ देर पहले यहाँ पे सब कुछ अच्छे से दिख रहा था, लेकिन अभी इतना धुआं हो गया कुछ दिख नहीं रहा है। अंकित को उसकी मम्मी की याद आ रही है। पूरा धुआं धुआं छा गया यार इसके बाद। चश्मा लगा लो, कुछ नहीं दिखने वाला। पूरा आर पार दिख रहा था, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। हमारी 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 बट रही है। घर पे कैसे जाएंगे, अंकित को रास्ता नहीं मालूम। हम लोग इतने ऊंचाई पे है कि पहाड़ का धुआं आ रहा है। मेरे पीछे कुछ लोग पागल हो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। किधर? बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं वो लोग, पहली बार आए होंगे मेरी तरह। आप देख सकते हो बहुत भीड़ है। मेरा तो रुझान है ना। पीछे मेरे पानी की टंकी है। सही है तो बोल। तो पानी क्या करते है क्या मालूम, लेकिन लोग आ रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे, मजा आ रहा था। बहुत भीड़ है यहाँ। मैं तो नया भी। एक मेरा दोस्त है, देखो बहुत हरामी है। बहुत हरामी। सही बोला। इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है, देखो पूरा ऐसा व्यू मस्त, पहाड़ पहाड़ एकदम, धुआं धुआं। मन गदगद हो गया। मन गदगद हो गया। और जो सोचा था वैसा ही हुआ। व्लॉग काफी अच्छा बना, आप लोग जरूर देखना। और आप लोग भी आए, मजा कीजिए, आनंद लीजिए। संडे का आओ तो और मजा आएगा, बारिश में आओ तो और ज्यादा मजा आएगा। और बस एंजॉय करने दो, एंजॉय करो, हम भी करते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।